अमरपाटन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने रिजल्ट में त्रुटि होने पर महाविद्यालय के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिजल्ट में त्रुटि होने पर अमरपाटन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने NSUI के बैनर तले प्रदर्शन किया और महाविद्यालय प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ दिनों पहले भी इन छात्र छात्राओं द्वारा रिजल्ट सुधार करने को लेकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो दोबारा परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग करते हुए सभी छात्रों के द्वारा एकजुट होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, हम सभी लोगों का 95% स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्रमोटेड में आया गया है, जिसके प्रति हमने यहाँ भी प्राचार्य से भी कहा कि हमारे रिजल्ट की सुनवाई हो, और अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी में भी जाके हमने ये कहा कि हमारे रिजल्ट की सुनवाई हो। कहीं से सुनवाई नहीं की जा रही, इसके वजह से आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। आज हम NSUI के नेतृत्व में शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन में, जो पिछले कुछ सालों से लेकर अभी तक में भी जो रिजल्ट आते हैं, BA BSc BCOM के हों या MA MSc MCOM के जो रिजल्ट आते हैं बच्चों के, वो लगातार खराब आ रहे हैं। बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ जा रहा है, जो बच्चों को उम्मीदें हो रही हैं, उन उम्मीदों के साथ जो रिजल्ट आ रहा है वो खरा नहीं उतर रहा है। बच्चों को कभी विथल्ड किया जाता है तो कभी प्रमोटेड कर दिया जाता है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, कुलपति के पास हम लोग अगले महीने गए थे, कुलपति के माध्यम से कुल सचिव जी ने बोला था कि वहाँ के जो प्रिंसिपल और प्राचार्य हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो CC के नंबर नहीं टाइम से चढ़ाते, इसलिए बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है। अमरपाटन महाविद्यालय सतना जिले के दूसरे नंबर महाविद्यालय में आता है कि 6,500 बच्चों की स्ट्रेंथ है, जिसमें से 80% बहनें यहाँ अध्ययनरत हैं। मैं उन बहनों की तरफ से केवल इतना भाई बोलना चाहता हूँ कि इन रिजल्टों में सुधार किया जाए और आगे वाले जो भी रिजल्ट आने वाले हैं वो उनमें सभी बच्चों को पास करके ही भेजा जाए। कम से कम 80% BA BSc BCOM के छात्र हैं, जो 80% बच्चे प्रमोटेड हुए हैं। ये तो पहले से कोई जानकारी नहीं थी कि छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञापन इन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें छात्रों के रिजल्ट को लेकर के समस्याएं हैं। ये समस्याएं विश्वविद्यालय के स्तर की हैं। हो सकता है कि अगर इसकी गंभीर जांच की जाए, हो सकता है कहीं कहीं हमारे यहाँ से भी हो, तो हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करने के बाद में इस समस्या का उचित समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।